मैं तवक्कु कर रहा था कि तारर साहब की भी फैमिली है, शायद ये एहसास करे किससे सुनाना और इस किस्म की जाए, ये हुआ था, वो हुआ था, जो भी हुआ था, जिसने भी किया था ना मुनासिब था, और हम इसको जो भी गलत काम करेंगे हम इसको जो है ना कंडम करेंगे उसको, जो जब भी होगा। देखिए इस वक्त जो कमेटी में जो इस वक्त ड्राफ्ट आया है, वो ड्राफ्ट को हमने पूरा स्टडी भी किया, और जो हमारे लीगल पेटर्नी से ताल्लुक रखने वाले जो हमारे सीनियर वकला है और लीडर्स हैं, हमने उसको डिस्कस किया, तो उस पर कोई इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है जो पहले वाला ड्राफ्ट था। अगर एक कमेटी में एक संजीदा डिस्कशन हो रही है और इसके ऊपर जो है ना एक कंसेंसस की तरफ चीज जा रही है, तो फिर इसके बाद ये गरों का के अंदर जो है ना चादर और चारदीवारी का तकद्दस फमाल करना, उसमें ख्वातीन बच्चों को जोरकूब करना, इसमें ये जो कह रहे हैं कि 1 बिलियन, मैं आपको कहता हूं जी कि तकरीबन हमारे हर MNA को 1 अरब रुपए से 3 अरब रुपए 3 बिलियन तक ऑफर है, 1 से 3 बिलियन तक ऑफर है। और वो फिर जो उमर रूप साहब ने पूरा डिटेल किया, जो हमारे पार्लियामानी लीडर जरताज गुल बीबी, ये PTI की पार्लियामानी पार्टी की यहाँ चेयरमैन है, हमारी पार्लियामेंट्री लीडर है हमारी, उसको उठाया गया, और जिसको जिस तरह यानी एक खातून होती हुई पार्लियामानी लीडर होती हुई जिस तरह उसको जो है ना घसीटा गया, जिस तरह उसकी तोहीन की गई, जेल में रखा गया, और जेल में रखा गया जनाब स्पीकर, यानी मैं आपको बताऊं कि मैं एक सीनियर पोजीशन पे भी रहा हूं यहां पार्लियामेंटेरियन, यहां आते आते एक डर सा लग रहा है कि शायद किसी वक्त हमें किसी केस में गिरफ्तार किया जाए। तो ये किस किस्म के अमेंडमेंट हो रहे हैं? तो ये जो बाजार जो चीज लग रही है ये है नहीं, हमें अब भी शक है कि जो कमेटी में ड्राफ्ट पेश किया जा रहा है शायद इसके पीछे कोई और बहरकत है। हमारे तकरीबन इस वक्त जो 7 MNAs को इन्होंने गायब किया है, तो ये क्या हो रहा है? क्या इस तरह की कानून साजी होती है? क्या इस तरह की लेजिस्लेशन होती है? और फिर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का ये तरीका है कि आप जो है ना जोर से, जर से, जबरदस्ती से, बंदूक से, लालच से आप कानून साजी करें, तो ये कानून साजी होगी? क्या इस पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू नहीं हो रहा? पहली दफा इस पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने हम सब के साथ मजाक किया, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, उसके ऊपर कमेटी बनी, क्या उस कमेटी के कोई असर आया उसके ऊपर? क्या उस कमेटी को किसी ने सीरियस लिया? क्या जब आप, क्या हमें हक नहीं है कि एक पार्लियामेंटेरियन के हर अगर हम किसी चीज के साथ इत्तेफाक करते हैं तो इत्तेफाक करेंगे, जैसे हम इख्तलाफ करेंगे तो इख्तलाफ करेंगे? कौन ये हक हमारा छीन रहा है कि हम इख्तलाफ नहीं कर सकते, सिर्फ इत्तेफाक कर सकते हैं? ये तो आप हमारी जो हमारी ह्यूमन राइट्स हैं, जो हमारे हुकूक हैं, आईनी हुकूक हैं, आप उससे हम उससे सवाल कर रहे हैं? जनाब स्पीकर ये बहुत सेंसिटिव मसला है, हमें बहुत सोच समझ के, देखो ये कानून जो बनता है और खासकर आईन अमेंडमेंट होती है, ये नस्लों के लिए होती है, ये चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए, चंद सालों के लिए नहीं होती। इसके लिए जो है ना ये एक बहुत बड़ी, और वो कहते हैं कि ला रश ला क्रश, जब आप कानून साजी पे जल्दी करते हैं वो कानून को आप खत्म करते हैं, उसके ऊपर बेहतरीन ब्रेन इस्तेमाल होता है, डिबेट होते हैं, डिस्कशन होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स की उसके ऊपर आरा आती हैं, तब कोई कानून बनता है। तो सबसे पहले मैं मुतालिबा करूंगा कि जो इस वक्त हमारे MNAs के खिलाफ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ जो जुल्म और सितम हो रहा है, जो उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहे हैं, जो उनके खिलाफ जो है ना मुख्तलिफ तरीकों से लालच दिया जा रहा है, जो उनकी घरों की चादर और चारदीवारी के तकद्दस पामाल हो रहे हैं, जो बच्चों और ख्वातीन की बेहुर्मती हो रही है, जो जैन कुरैशी की जो मिसेज उसकी
उनकी घर वालों और खासकर जो शामूद कुरैशी साहब जो कि एक बहुत बड़ा गदनशीन भी है उसकी घर की इस तरह तोहीन इंतहाई जालिमाना इकदाम है। मैं तो समझता हूं कि आज पूरी पार्लियामेंट इसके ऊपर करारदाद पास करे कि हम किसी तौर पर इस चीज को नहीं करते, ये तो सियासत से बालातर है। अगर आप इस तरह अलाव करते हैं और किसी को इख्तियार देते हैं, ये जनाब स्पीकर आप अगर इस सीट पे बैठे हैं तो आपको आईन ने इख्तियार दिया एक तरीके के, अगर मैं यहां एमएनए हूं तो आईन की एक शिक की वजह से मैं यहां एमएनए हूं और मैं यहां बात कर रहा हूं। अगर कोई जनरल है, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, अगर कोई वजीर है, अगर कोई जो भी जिस भी पोजीशन पे है, ये आईन की वजह से आईन ने सबको पावर दिया है। अगर किसी के हाथ में बंदूक है तो बंदूक का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेगा, वो कानून के मुताबिक इस्तेमाल करेगा। अगर उनकी ख्याल ये है, वैसे भी हमारे सूबों में जो हो रहा है, यानी कभी आपने सुना है कि एक चीफ मिनिस्टर की इसमें तो तजलील हो और उसको उसको जो है ना आप उसकी जो केपी हाउस जो कि एक सूबे की टेरिटरी है इसके ऊपर आप अटैक करें, उसकी जो तकद्दस है उसको पमाल करें, उसके ऊपर कब्जा करें और पूरी सूबे के आवाम को मैसेज दे कि तुम कुछ चीज नहीं हो। फिर सूबे के आवाम वो सूबा जिस वक्त इस वक्त वैसी भी बेचैनी है, उस वक्त जो जर्गा हुआ है और उस जर्गे में जो बात आई है, तश्वीश है उस पर कि इस वक्त एक आवाम जो है ना एक इदारे के खिलाफ एक हम तश्वीश रखते हैं। हम नहीं समझते, हम समझते हैं कि तमाम इदारे हमारे हैं, किसी इदारे की तोहीन और तजीक नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग पोजीशन पे बैठे उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अपने आईनी हुदूद में रहे। आपने हमारी खैबर पख्तूनख्वा के हाउस का तकद्दस पामाल किया, हम सब पख्तूनख्वा के आवाम को अपने मैसेज दिया कि तुम कुछ चीज नहीं हो, तुम किस तरह इस मुल्क को लेके जा रहे हो, ये क्या तमाशा बना हुआ है। आप किसी की आपके पास जो इख्तियार है आप इसको मिसयूज कर रहे हो, आपके पास इख्तियार ही नहीं है कि आप किसी भी सूबे के अंदर दाखिल हो, आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप किसी को जो इस किस्म के मैसेज दे लोगों के घरों पे छापे मारो, लोगों को कानून साजी के लिए जबरदस्ती जोर से आप अपने मनपसंद कानून साजी के लिए एग्री करो। जनाब स्पीकर आईजी गालियां दे रहा था और ये सोच ले कि वहां आईजी साहब जो है ना गालियां दे रहे हैं, पंजाब के आईजी साहब क्या कर रहे हैं, सारे चीजें कानून के खिलाफ वर्जी हो रही है। मैं सिर्फ इस वक्त यहां बहुत मुख्तात बात करूंगा कि अगर देखो इस वक्त बलूचिस्तान में हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, हमारे सूबे में इस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा है कि वहां एक नई जंग छिड़ने वाली है, नई सूरत हाल जो है ना बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, अल्लाह ना करे, और वहां भी बहुत एहसासी महरूमी बढ़ रही है। आपको कोई ऐसे इकदाम करने चाहिए कि आप उस महरूमी को तदारक करें, आप लोगों के जख्मों पर मरहम रखें, आप लोगों के साथ बातचीत करें, लोगों को इंगेज करें, और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी, सबसे मकबूल लीडर, उसको आप हर तरह से दबाव में ला के उसको आप केसेस उसके ऊपर बना के उसके खिलाफ प्रोपेगंडा करके उसके खिलाफ आप जो कुछ कर रहे हैं ये नहीं हो सकेगा। इसलिए कल हमने पूरे मुल्क में एहतजाज की काल दी है और वो एहतजाज है जो कि एक फासिस्ट रवैया है हुकूमत का, हम उसके खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आईन और कानून की बालादस्ती की गिरफ्त कर रहे हैं, और हम ये मुतालिबा करते हैं कि आईन में अमेंडमेंट के लिए जोर और ज़बरदस्ती को बंद किया जाए, इदारों की मुदाखलत को बंद किया जाए, और आप अगर कानून साजी करना चाहते हैं तो इसके लिए खुला माहौल हो कि एमएनएस जितनी भी सेनेटर्स हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना फैसला कर सके। हमारा मेन मुतालिबा ये है कि हमारे जो 7 लोग इस वक्त उन्होंने किडनेप किए हैं, अबडिक्ट किए हैं, इनको रिहा किया जाए और उनको अपनी मर्जी की ऊपर छोड़ा जाए। थैंक यू सो मच।